एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने तिवारीपुर थाने पर पीस कमेटी व आयोजनकर्ताओं के आगामी त्यौहार को लेकर बैठक की, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि थाना तिवारीपुर पर पीस कमेटी व आयोजनकर्ताओं के साथ बैठक की गई है, जिसमें दुर्गा पूजा, रामलीला, विजयदशमी, बारह वफात, भरत मिलाप के आयोजन जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं, जिसको सकुशल संपन्न कराने के लिए आयोजनकर्ताओं के साथ चर्चा की गई है। शासन द्वारा जारी निर्देशों से सभी को अवगत करवाया गया है कि वह परंपरागत रूप से जो आयोजन होते आ रहे हैं उन्हीं आयोजनकर्ताओं को अनुमति दी गई है, किसी को भी नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है। जो भी त्यौहार मनाए जा रहे हैं पुलिस द्वारा भ्रमण करके सभी तरह के सूचनाओं को संकलित कर लिया गया है तथा यह भी जानकारी कर ली गई है कि दुर्गा प्रतिमाओं को कितने तारीख को स्थापित किया जाएगा व कितने तारीख तक विसर्जन किया जाएगा। सभी आयोजकों को निर्देश दिया गया है कि विसर्जन का जो रूट होता है उसी रोड पर ही जाकर मूर्ति को विसर्जन करेंगे तथा सभी थाना क्षेत्रों में इस संबंध में लगातार बैठक की जा रही है, जिससे कि त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, तिवारीपुर थाना प्रभारी महेंद्र नाथ मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, ताकि एक समय निर्धारित हो जाए कब किसका जरूरत निकलेगा और जो भी समस्या है उसका तत्काल हल करा दिया जाए। पुरानी बातों को नहीं जाना चाहते हैं, मैं आप सभी लोगों का ख्याल रखना चाहते हैं। मुख्यमंत्रियों का अध्यक्ष हूँ, बर्ड घाट का भरत मिलाप उसी दिन पड़ रहा है और बारह रवि गुवर भी, क्योंकि घंटा घर पे मंच लगाया जाएगा। प्रशासन वहाँ मुतवल्ली को और इसी के लिए मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई कि आपने वक्त की नजाकत को देखते हुए अपने बात। नागरिक, हमारे प्रिय मीडिया बंधु, पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों को मैं आज यहाँ पर स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पर आगामी त्योहारों को सकुशल शांतिपूर्वक व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सबकी वक्तव्यों को सुनने के बाद मुझे एक चीज का आश्वासन और जिस संख्या में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक चीज का आश्वासन हुआ है कि यहाँ पर जो हमारा समाज है, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि जो हैं, जो लोग हैं, वो सजग हैं और सशक्त हैं और आने वाले दिनों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और ये इंश्योर करें कि इसको कोई भी उल्लंघन इसका ना हो। और ये हम सब लोग मानते हैं कि समाज में 95% लोग जो होते हैं वो शांति चाहते हैं। कईयों का राजनीतिक इंटरेस्ट होता है, कोई लाभ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, कोई अपनी व्यक्तिगत किसी के साथ पुरानी रंजिश को इसी समय में साधना चाहते हैं। तो मुझे लगता है हम सबको जरूरत है उन 2-4-5% लोगों को पहचानने की। हम सब जानते हैं वो हमारे समाज में रहते हैं, वो हमसे दूर नहीं है, हमारी आंखों से ओझल नहीं है। दिक्कत तब आती है जब हम जानते हुए देखते हुए भी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सजग रहेंगे, आसपास हमारे क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग जानकारी करते रहेंगे, कुछ भी बात अगर संदिग्ध आती है, कुछ भी चीज अगर आपको संदिग्ध लगती है तो प्रशासन के संज्ञान में लाए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपको बुलाने के तुरंत बाद। नागरिकों की तरह बिहेव करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। विसर्जन के स्थान पर जो निर्धारित स्थान है वहीं पर किया जाए। हेलो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल एनजीटी, माननीय उच्च न्यायालय, कितनी दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होनी है उसका आंकलन हमारे बीट कांस्टेबल्स ने, हल्का प्रभारियों ने जाकर के कर लिया है। पूरे जनपद में ये प्रयास चल रहा है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके लिए सजग तो रहना पड़ेगा, उसके लिए गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ेगी। कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं समय समय पर शासन सरकार द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है, बहुत सी गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट द्वारा इसमें जारी किए गए हैं, वो सभी हम लोगों को जानकारी। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना तिवारीपुर में
आज आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए पीस कमेटी व आयोजनकर्ता उनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी यहाँ पर एक बैठक की गई है। विशेष रूप से नवरात्रि का त्यौहार, दुर्गा पूजा का त्यौहार, रामलीला, विजयदशमी, बारह वफाद, भरत मिलाप के जो आयोजन आने वाले दिनों में होने हैं उसके संबंध में काफी चर्चा यहाँ पर की गई है। जो नियम है, जो कानून है, जो शासन द्वारा पारित किए गए निर्देश हैं, ऑनरेबल हाईकोर्ट एनजीटी और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो पारित किए गए निर्देश हैं उन सभी का हम लोग इन त्योहारों को मनाते समय पालन करें। परंपरागत रूप से जो आयोजन होते आए हैं उन्हीं आयोजनों को अनुमति दी गई है। कोई भी नई अनुमति, किसी भी तरह की परंपरा जो नए कोई शुरू करना चाहते हैं उसके लिए अनुमति नहीं दी गई है। जो भी परंपरागत रूप से त्यौहार मनाए जाते हैं उस सभी सूचनाओं का संकलन पुलिस द्वारा स्थानीय भ्रमण करके स्थलीय निरीक्षण करके कर लिया गया है। विशेष रूप से जो हमारे दुर्गा प्रतिमाओं की जो स्थापना होनी है, किस तारीख को होनी है, कहाँ होनी है, क्या उसका निर्धारित स्थान है, उस बारे में भी जानकारी ले ली गई है। इसके साथ साथ दुर्गा पंडालों की जो सुरक्षा है, कैसे आयोजकों को उसको सुनिश्चित करना है, उसके बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। विसर्जन से संबंधित जो हमारे रूट हैं उन रूट पर प्रशासनिक पुलिस और पुलिस अधिकारी और साथ आयोजकों के साथ स्थलीय भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। जो पारंपरिक रूप से जो रूट यूज होता है उसी का इस्तेमाल किया जाए, उसमें कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। और विसर्जन के जो स्थान है वहाँ की सुरक्षा, वहाँ के जो नियम है उनकी पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लगातार ये बैठकें कई दिनों से सभी थाना क्षेत्रों में हो रही हैं। आज ये बैठक थाना पिपराइच पर और थाना तिवारीपुर पर मेरे द्वारा स्वयं की गई है। जिस तरह का रिस्पॉन्स है, जिस तरह का समन्वय जनता के, आम नागरिकों के साथ, सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ, धार्मिक प्रतिनिधियों के साथ जो हमारा बना है, मुझे पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि आने वाले दिनों में जनपद गोरखपुर के सभी थाना क्षेत्रों में सभी त्यौहार बड़े ही शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे और एक अमन और चैन का और शांति का जो संदेश हमेशा से जनपद से जाता रहा है, आने वाले दिनों में भी इन त्योहारों के माध्यम से गोरखपुर से ये संदेश पूरी प्रदेश, देश और दुनिया में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।